इंडिया में 5 से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में बेहतरीन इंटीरियर वाली गाड़ी कौन सी है। जी हाँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन गाड़ियों के इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत हैं वो गाड़ियाँ बताऊंगा और 5 से 10 लाख के बीच में आ जाती हैं। जानिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई वेन्यू। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, हुंडई कंपनी जानी जाती है अपनी लुकिंग और इंटीरियर की वजह से ही। मारुति की गाड़ियों की भले ही रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो और पॉपुलर भी काफ़ी हो, लेकिन उनके इंटीरियर इसके मुकाबले कुछ नहीं हैं। ये गाड़ी अपनी लुकिंग और इंटीरियर की वजह से ही जानी जाती है और वेन्यू कार काफ़ी पॉपुलर है एसयूवी गाड़ियों में और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी खासी सेल्स होती है। इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो वो इसमें सिंगल टोन में मिलता है जिसका कलर ब्लैक है। डैशबोर्ड के बीच में 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके लेफ्ट और राइट में आपको एसी वेंट्स मिलेंगे और गाड़ी का स्टीयरिंग 3 स्पोक का है। इस पर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिलता है। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। आप चाहें तो इसमें मैनुअल ले सकते हैं और ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, वो आपको चॉइस करना है। और गाड़ी की कीमत है 6,70,000 रुपये से लेके 11.5 लाख रुपये तक की। चौथे नंबर पर भी हुंडई कंपनी की कार आई है जो है वर्ना। ये 5 सीटर सेडान कार है और काफ़ी पॉपुलर है सेडान गाड़ियों में और अपने सेगमेंट में अच्छी खासी सेल्स होती है। इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो उसमें ड्यूल टोन में मिलता है इसका इंटीरियर। इसका कलर ब्लैक और क्रीम है। डैशबोर्ड के बीच में 9.5 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके लेफ्ट और राइट में आपको एसी वेंट्स मिलेंगे और गाड़ी का स्टीयरिंग 3 स्पोक का है। इस पर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिलते हैं। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलती है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 9,30,000 रुपये से शुरू होकर 15,09,000 रुपये तक की कीमत एंड के वेरियंट की बैठती है, यानी टॉप वेरियंट की। फिर आइए फोल्ड कंपनी की इको स्पोर्ट। ये 5 सीटर एसयूवी कार है। ये कार अपनी कंपनी की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है। इसका जब फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ तो फोर्ड ने इसका पूरा इंटीरियर बदल दिया था और अब इसमें आपको 8.0 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और उसके नीचे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं जो कि डैशबोर्ड के बीच में है और 3 स्पोक लेदर कवर्ड स्टेयरिंग व्हील मिलता है जिस पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स यानी बटन्स मिलेंगे कंट्रोल करने के लिए। इको स्पोर्ट का इंटीरियर में आपको कहीं कहीं एलुमिनियम फिनिश मिलेगी और फोर्ड आपको एक ऑफर देता है, आप अपनी इस गाड़ी का इंटीरियर में कस्टम कलर करवा सकते हैं। ये कार डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। गाड़ी की एक शोरूम कीमत 8,04,000 रुपये से लेके 11,58,000 रुपये तक की। फिर आइए हुंडई क्रेटा। ये 5 सीटर एसयूवी कार है। ये कार इंडिया में बहुत पॉपुलर एसयूवी गाड़ी मानी गई है। क्रेटा का इस साल फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि मार्च के महीने में हुआ था, अभी 2-3 महीने पहले, और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले। गाड़ी का इंटीरियर आपको ड्यूल टोन में मिलता है और डैशबोर्ड के बीच में आपको 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके ऊपर आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। इसका स्टीयरिंग 4 स्पोक का है। इस पर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिलते हैं। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। गाड़ी की एक शोरूम कीमत 9,99,000 रुपये से लेके 17,20,000 रुपये तक की। पहले नंबर पर आइए किया कंपनी की सेल्टोस। ये भी 5 सीटर एसयूवी कार है और ये कार इंडिया में बहुत पॉपुलर एसयूवी गाड़ी हो चुकी है। ये गाड़ी इंडिया में काफ़ी अच्छी बिकती है एसयूवी गाड़ियों में। इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो आपको सिंगल टोन में मिलेगा और डैशबोर्ड के बीच में आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसका स्टीयरिंग 3 स्पोक का है और उस पर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिलते हैं। और इतना ही नहीं, फ्रंट सीट्स के बीच में आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है। ये कार इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसके साथ आपको इसमें दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं और मैनुअल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और कार की एक शोरूम कीमत 9,89,000 रुपये से लेकर 17,34,000 रुपये तक की। तो ये 5 वो गाड़ियाँ हैं जो 5 से 10 लाख के बीच में आती हैं और इनका इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है। तो आपको इनमें से किस गाड़ी का इंटीरियर अच्छा लगा
या आपके हिसाब से कोई और गाड़ी का इंटीरियर आना चाहिए था, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।